हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरु जी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, अभी HSSC के जो ग्रुप सी भर्ती को लेकर जो मामला कोर्ट के अंदर था, उसमें नेक्स्ट डेट आपकी मिल गई है। भाई, परमिशन मिली है या नहीं मिली है? क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो चाहते थे अभी टेक्निकल ग्रुप की परमिशन मिल जाए, या फिर जिन ग्रुप में 4 गुना से कम कैंडिडेट उनकी परमिशन मिल जाए, और 56 और 57 का कैंसिल होगा या नहीं होगा, अब तक की जो रिपोर्ट है वो भी आपको हमारे चैनल पर अभी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब बात करते हैं, अभी मामला यहाँ पर आप सभी को पता है, आज सुनवाई थी 31 अक्टूबर से। भाई, काफ़ी सारे जो आप सभी को पता है, अभी यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो आती रहती है। अभी यहाँ 31 तारीख को जो आपका फैसला है वो आ जाएगा, बिना कोई ठोस तथ्य के। भाई, इस प्रकार की जो भी कार्रवाई की जाती है ना, और आप सभी को पता है मामला यहाँ पर कुछ अलग ही निकल के आया है। जो नेक्स्ट डेट है वो भाई दिसंबर के अंदर है, संभावना है अभी 15 भी मिल जाए और उससे लास्ट के दिसंबर के अंदर भी आपको नेक्स्ट डेट है वो मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं, भी जो HSSC को करना होता है वो कभी नहीं करती, और ना ही भाई इन्होंने 3 महीने हो, 2 महीने, 2.5 महीने हो गए। इन्होंने अगस्त के अंदर डेट थी, अगस्त से सितंबर गया, अक्टूबर गया, 2 महीने, 2 महीने में इन्होंने एक भी कदम इस प्रकार का नहीं उठाया जो कोर्ट ने बोला था। वो अपनी बात जो बोलते हैं, हम उसी बात के ऊपर अभी हम लास्ट के अंदर जो वेरिफिकेशन है वो करवाएंगे। हालांकि इनको पता भी है, अभी जो 5 नंबर लेने वाले जो फेक कैंडिडेट हो वो इसके अंदर बैठे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते भी समय से भर्ती कंप्लीट हो। इस प्रकार की जो भाई मनसा है वो आप सभी को पता है। अभी इनकी जो सारी प्रक्रिया है वो इन्होंने डेट फिक्स कर रखी है, अभी इस डेट तक हमें करनी है, और इसी डेट को ही जब इनको करनी होगी तो सारा कुछ ये भाई अच्छे तरीके से कर लेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है भर्ती कंप्लीट करने का। ये चुनाव के अंदर इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, और इसके अलावा क्योंकि काफ़ी सारे बोल रहे हैं नई भर्ती आने वाली है, जिस हिसाब से ये प्रक्रिया चल रही है मुझे नहीं लगता अभी नई भर्तियां आएगी, क्योंकि अभी जो पिछला सीटी है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और अब बात कर रहे हैं अभी नेक्स्ट सीटी की, तो दिसंबर के अंदर डेट मिलती है तो उसके बाद हम भाई नेक्स्ट सीटी लेंगे या ग्रुप सी के जो भर्ती के पेपर है वो लेंगे। तो इनकी जो मनसा है वो बिल्कुल डेट फिक्स है, अभी इस डेट तक हमें काम करना, उसी डेट को होगा। और मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे भाई हम दिसंबर में ख़त्म कर देंगे, तो दिसंबर में तो भाई डेट ही मिल गई, कैसे ख़त्म कर दोगे आप? है हवा में बातें करने वाली बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं भाई हम 60-65 हज़ार भर्तियाँ कर देंगे, लेकिन भाई ये जो बातें हैं वो बातों के ही अंदर अच्छी लगती है, भाषण के अंदर ही, लेकिन जो रियलिटी अगर आप चेक करोगे तो रियलिटी कुछ अलग ही निकल के आ रही है। क्योंकि मामला इनको पता है, अगर ग्रुप डी की भर्ती हो जाती है पहले, तो ग्रुप डी में पता है आपको कट ऑफ हाई चली जाएगी, और इसके ऊपर जो असर है आपका वो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि फिर अगर भर्ती में सी की आप बाद में करेंगे तो काफ़ी सारे कैंडिडेट है वो उसको छोड़ के सी में चले जाएंगे, तो डी की जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिक वैसे खाली रहेगी भाई। और यही ये चाहते हैं भाई इस प्रकार की, जो अभी ना तो हमें नौकरी देनी पड़े और हमारा काम है वो ऐसे ही चलता रहे। तो इस प्रकार में जो भी आपकी राय है इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मेरा तो यही मानना है भाई इनका जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल फिक्स है, प्रॉपर है भाई, इस डेट तक हमें काम करना है तो उसी डेट तक आपका काम होगा, उससे पहले कोई कुछ भी करे भर्तियां कंप्लीट नहीं होने वाली। और पेपर कैंसिल की बात की जाए तो भाई जिस प्रकार का जो माहौल है ना एक बार वो यही है, अभी पेपर आपके कैंसिल होने चाहिए, रिपीटेशन वाला मामला है एक तो, और एक भाई फेक जो सोशो इकोनॉमिक वाला है वो भी चक्कर है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो फैसला दिया है तो उसको ये उनको पालना करनी चाहिए, लेकिन ये भाई अपनी जो अंगद वाला पैर बनाए बैठे हैं भाई, हमें वहाँ से पैर हिलाना ही नहीं है, अपनी बात के ऊपर बिल्कुल पक्के रहेंगे, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो ये थी भाई मामला आपका, नेक्स्ट डेट कंफर्म है भाई, मिल गई है दिसंबर के अंदर। अभी तक कोई भी जो रिलीफ की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया है, और ना ही कोई जो परमिशन है नेक्स्ट डेट है, सॉरी जो आगे एग्ज़ाम होने हैं टेक्निकल हैं जिनमें 4 गुना से कम है, उनकी परमिशन नहीं मिली है, और ना ही कोई भी आगे प्रोसेस है HSSC का बढ़ा पाएंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन भाई, धन्यवाद।